ओए होए मेरा हैप्पी बर्थडे, आए हाय मेरा हैप्पी बर्थडे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सुबह के नाश्ते में बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। तो इसके अंदर ये हमने आलू भर के दो तो इसमें हमने डाल दिए हैं। बाकी ये इस तरह से इसके अंदर आलू लगा के और इसको ऐसे पैक कर दिया। तो ये वाले निकालने पर दिखाएगा। तो इस तरह से इसको बेसन में डिप करके ये बन गया मेरा ब्रेड पकौड़ा। ये बन गया ब्रेड पकौड़ा मेरा। और कुछ पकौड़ियाँ हमने मतलब कुछ तो ये ब्रेड पकौड़ा आलू भर के बनाए हैं और कुछ ऐसे ही ब्रेड को काट के प्लेन केवल बेसन में डिप करके ये पकौड़ी बनाई है। तो ये आप लोग भी इसका इसको चख लीजिए। ये मेरा सुबह का नाश्ता। तो मेरा सुबह का नाश्ता भी हो चुका है और हम खाना बनाने भी जा रहे थे बस अभी। तो हमने सोचा आप लोग से थोड़ी बात कर ली जाए। तो बात ये है कि आज है मेरी बर्थडे। तो मेरी बर्थडे में अब मेरे बेटे ने हमको गिफ्ट दिया है, छोटे वाले ने। तो गिफ्ट में हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमको उनका मोबाइल गिफ्ट मिला है। और ये मोबाइल मिल गया था रात में ही, मगर हम रात में सो चुके थे तब जगा के इसने दिया था। मेरा नया नया मोबाइल मेरे बेटे ने गिफ्ट किया है, छोटे बेटे अमन ने। मोबाइल मेरे पास पहले से भी था, तो जब से हम वीडियो बना रहे थे तब से ये कह रहा था मम्मी अपना मोबाइल चेंज कर दो, इससे वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तो हम इसे बस यही कहते चले आ रहे थे हाँ बेटा बदल देंगे। तो मैंने तो वीडियो बनाना हमने अभी कुछ दिनों से ही शुरू किया है, क्योंकि हम यूट्यूब पे ब्लॉग देखते थे। तो मेरा भी मन किया था कि हम भी ब्लॉग बनाएं। तो इस फ़ोन से बहुत अच्छी वीडियो की क्वालिटी नहीं आती थी, तभी से ये छोटा वाला कहता था कि मम्मी भी अपना फ़ोन बदलो। तो इसने ये हमको सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है फ़ोन। रात में हमको जब इसने जगा के फ़ोन दिया है और हैप्पी बर्थडे बोला है तो हमको तो बहुत खुशी हुई है कि चलो मेरी बर्थडे में पहली बार कितना बड़ा गिफ्ट हमको मिला है। बाकी बर्थडे होती थी बस वही ही घर में, या तो हम खाना बना लेते थे अच्छा, या तो कहीं चारों लोग बाहर जाके खाना खा लेते थे। और हम केक नहीं काटते क्योंकि हमने कभी बर्थडे में अपने केक नहीं काटा है। तो इन लोगों की मर्जी थी कि केक काटें, मगर हमने कहा नहीं, हमने जब कभी केक नहीं काटा है तो हम भी केक नहीं काटेंगे। बस या तो हम घर में कुछ बना लेंगे और या शाम को चलेंगे सब लोग कहीं खा लेंगे। इनके पापा भी नहीं, इनके पापा बाहर गए हैं शादी में और हम लोगों को आज भी शादी में बाहर जाना है। तो आज की दावत दूर रही, किसी और दिन बर्थडे की दावत होगी। तो बस अभी आपको ये फ़ोन दिखाना था कि मेरे बेटे ने फ़ोन दिया है मेरी बर्थडे पे गिफ्ट, और बर्थडे की दावत रही दीव। तो केक तो नहीं कटेगा, अभी हम जा रहे हैं दोपहर का लंच घर में बनाएंगे, बनाने जा रहे हैं। तो मेरी बर्थडे तो है, ये तो हमने आपको सुबह बताया ही था, मगर हम अपनी बर्थडे के लिए इतना ज़्यादा नहीं तैयार हुए हैं। हम तैयार हुए हैं, मेरे मोहल्ले में एक छोटी बच्ची की बर्थडे है, वहाँ जाने के लिए हम तैयार हुए हैं। तो बस उसे, और आज हम इस समय अपने नए नए फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, जो फ़ोन हमारे बेटे ने हमको गिफ्ट में दिया है। मेरा बर्थडे गिफ्ट यही फ़ोन है जिससे मेरी वीडियो बन रही है। तो बस हम चलते हैं उसी जगह अभी बच्ची की बर्थडे में, और अगर हम टाइम से पहुँच जाएंगे वहाँ पर तो वीडियो भी बनाएंगे। चलते हैं वहाँ पर। तो हम यहाँ पर आ गए हैं अपनी गुल्लू मुल्लू बेटी के बर्थडे में। तो यहाँ पर पहले दादी बाबा टीका करके गुल्लू की आरती उतार रहे हैं और टीका हो रहा है। तो पहले टीका होगा, बाद में केक कटेगा। डैडी ये बड़ी मम्मी रोग झूला रही है, नीचे नहीं जाना। मैंने इधर देखो पीछे से बात कहां गया।
बेटा तो सामने से हेलो लो आ गया तुम्हारा नाश्ता भी देखिए अभी नाश्ता कर रहे हैं बाद में खाना खाएंगे। ओए होए मेरा हैप्पी बर्थडे आए हाय मेरा हैप्पी बर्थडे बाय बाय। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बाय।